डियर स्टूडेंट, माय प्यार क्लासेस में आप सबका पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन है। आज 10 जुलाई 2021 शनिवार को डेली करंट अफेयर छत्तीसगढ़ के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला है, छत्तीसगढ़ के कितने जिला अस्पतालों में निःशुल्क डायलिसिस सुविधा जीवनधारा की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर है 8 जिले। इसके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वर्ष 2020 से छत्तीसगढ़ के 6 जिला अस्पतालों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है और जून 2021 से जसपुर और सरगुजा में भी यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है और इस तरह वर्तमान में प्रदेश में 8 जिला अस्पतालों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध हो गई है, जो जसपुर और सरगुजा जिले के लिए 9 डायलिसिस मशीन की व्यवस्था जो है फेयरफैक्स संस्था के डॉक्टर हिमांशु दवे के माध्यम से एसीसी बैंक द्वारा प्रदान किया गया है। चित्र में आप देख रहे होंगे हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो 6 जिला आपको इसमें दिखाई दे रही है, 6 जिले हैं जो पहले से इस योजना में शामिल थे और अभी वर्तमान में जसपुर और सरगुजा को भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डॉक्टर तुहर द्वार दोस्त निशुल्क स्वास्थ्य सेवा छत्तीसगढ़ के किस शहर में संचालित किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है बी रायपुर। इसके महत्वपूर्ण तथ्यों में से दोस्त अभियान रायपुर शहर के कुछ युवा डॉक्टरों द्वारा चलाया जा रहा है एक अनूठी पहल है और इस अभियान के तहत अब तक 150 लोगों को निःशुल्क इलाज मुहैया कराया जा रहा है। दोस्त का जो फुल फॉर्म है डॉक्टर ऑन द स्ट्रीट, यहाँ पे इन्होंने जो सुभाष नेताजी सुभाष चंद्र स्टेडियम यहाँ इन्होंने अपना कॉल सेंटर बनाया है। एक फोन कॉल से ही यहाँ की जो टीम है मतलब निःशुल्क इलाज के लिए मरीज के पास पहुँच जाते हैं। एक अनूठी पहल है और इस तरह का अपना हमारे राज्य में ये पहला है जो इस तरह का निःशुल्क सेवा देने के लिए डॉक्टरों द्वारा एक टीम गठित की गई है। हाल ही में IIT नवा रायपुर और सैमसंग इंस्टीट्यूट बेंगलुरु ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग के लिए MOU समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये सैमसंग जो कंपनी है यह किस देश की है? इसका सही उत्तर है कोरिया। तो इसमें जो समझौते में ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं इसमें 5G नेटवर्क से लेके जो भी प्रौद्योगिक क्षेत्र में जो भी टेक्नोलॉजी नए आएंगे ये सैमसंग इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा IIT के स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस तीरंदाज का वर्ल्ड तीरंदाजी टूर्नामेंट के लिए सिलेक्शन हुआ है? इसका सही उत्तर है दीक्षा नायक। इनके महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं इसके बारे में देख लेते हैं। जो दीक्षा नायक हैं वर्तमान में ये सोनीपत जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे ट्रायल में हिस्सा ली थी और वहीं से इनका चयन वर्ल्ड कप तिरंदाजी के लिए हुआ है। इसके पहले इन्होंने जो एक राष्ट्रीय स्पर्धा में हमारे छत्तीसगढ़ के लिए कांस्य पदक भी जीत चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किस जिले को हाल ही में SRE नक्सल प्रभावित श्रेणी में शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर है डी मुंगेली। हाल अभी अभी जो पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ है एक आदेश जारी किया गया था 1 जुलाई 2001 से यह प्रकाशित है जिसमें बालोद जिले को नक्सल प्रभावित क्षेत्र से अलग कर मुंगेली जिले को नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है और वर्तमान में जो हमारे छत्तीसगढ़ के 14 जिले हैं नक्सल प्रभावित जिले के रूप में गिने जाते हैं और SRE इसका मतलब जो होता है सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडर और इसमें जो जिला बल और पुलिस बल को है इनको विशेष सुविधा मुहैया कराई जाती है इस योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 7 है,
मिलेट उत्पादन में इनपुट सब्सिडी देने वाला देश का एकमात्र राज्य? इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य 3,000 रुपये तय किया है और साथ ही इस फसल को भी राजीव गांधी न्याय योजना में भी सम्मिलित किया गया है। और जो मिलेट इसमें जो होते हैं, जो कोदो कुटकी रागी ऐसे जो छोटे अनाज हैं, इन सभी को मिलेट के अंतर्गत रखा जाता है और राजीव गांधी किसान न्याय योजना में सम्मिलित करने के कारण इसमें भी जो 9,000 रुपये की राशि मिलते वह किसानों को प्राप्त होगा प्रति एकड़। और यदि कोई कृषक धान फसल के अलावा यदि उस खेत में कोदो कुटकी का फसल लेता है तो इस स्थिति में राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत प्रति एकड़ 10,000 रुपये की राशि सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। तो इस तरह का इनपुट सब्सिडी कोदो कुटकी और राजीव जैसे फसलों में देने वाला छत्तीसगढ़ पूरे देश का एकमात्र राज्य है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।